हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज टिक्की बर्गर रेसिपी। ये बहुत ही कम समय में रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। तो आइए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्रिस्पी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए ये मैंने 2 बाउल पोहा ले लिया है। पोहे में हम पानी डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पानी में ऐसे ही भिगो देंगे, जिससे कि पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम पोहे में से पानी निकाल देंगे और पोहे को स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे जब तक इसका सारा पानी निकल ना जाए। अब हम पोहे को किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और इसे इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। अगर पोहे में थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है तो वह भी सूख जाए। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू डालेंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को उबालकर मैश किया हुआ है। आलू हमारे ठंडे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब अपनी टिक्की को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और ग्रेट की हुई हम इसमें गाजर डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। 1/3 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इससे हमारी टिक्की का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम हाथ से इस प्रकार मसलते हुए मैश कर लेंगे। इसका हम एक डो टाइप रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप भी इन क्रिस्पी टिक्की को एक बार जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। अपने टिक्की को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक मैगी ले लेंगे और मैगी को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर हमने नहीं बनाना है, हम इसे दरदरा पीसेंगे। 2 से 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसकी स्लरी बनाएंगे। इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं जिससे स्लरी का घोल फीका ना लगे। अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और मटेरियल में से थोड़ा सा पार्ट लेकर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। पहले हम इस तरह से बाइंड करेंगे, इससे टिक्की हमारी खुलती नहीं है, बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाती है। फिर इसके बाद इसे राउंड शेप देते हुए हम टिक्की की शेप दे देंगे। इसके एजेस को हम इस प्रकार से सेट कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी प्रकार सारी टिक्कियों को हम रेडी कर लेंगे। यह एक हेल्दी रेसिपी है, यह बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। हमने इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। बच्चे भी इसे चट कर जाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें वेजिस भी डाली हुई हैं। अब अपने टिक्की को हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डिप करेंगे और इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे मैगी से कोट कर लेंगे। आप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैगी से कोट करने से टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसी तरह सारी टिक्कियों को कोट करके हम रखते जाएंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके टिक्की को हम पैन में डालते जाएंगे। एक बारी में आप जितनी हैंडल कर सके उतनी ही टिक्की पैन में डालें। एकदम से डालते ही हमने इसे टच नहीं करना है, नीचे से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने के बाद ही हम इन्हें टच करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिससे कि यह बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती हैं और अंदर से अच्छे से कुक भी हो जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से यह सीख गई है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की पर कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। इस स्टेज पर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियों को भी हम इसी प्रकार सेक लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर इन टिक्कियों ने बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। इस आवाज से ही फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम बर्गर बनाएंगे। बर्गर बनाने के लिए ये मैंने दो बन ले लिए हैं। कुकिंग ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें बन को फ्राई करेंगे। एक बार डालते ही इसे फटाफट से हमने टर्न कर देना है और दूसरी साइड से होते ही हम इसे फटाफट से निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम दोनों बन को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। एक साइड पर हम हरे धनिए की चटनी लगा देंगे। हरे धनिए की चटनी की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरी साइड पर हम टमाटो केचप लगा देंगे। टमाटो सॉस बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब हम इसमें प्याज लगाएंगे। खीरा लगाएंगे और जो हमने क्रिस्पी टिक्की बनाई थी वह लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे। और पनीर का टुकड़ा लगा देंगे। ऊपर से चाट मसाला डालकर हम गर्मा गर्म बर्गर को सर्व करेंगे। यह एक हेल्दी रेसिपी है और बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आप भी इस स्टाइल से बर्गर एक बार जरूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं।